बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे प्रज्वल रेवन्ना। पूर्व सांसद सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना का पहला बयान सामने आया है। 31 मई को एसआईटी के सामने आऊंगा। सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी हैं प्रज्वल रेवन्ना। जेडीएस के सांसद रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आरोप है। जो वीडियोस आए उससे प्रज्वल रेवन्ना को जोड़कर कहा जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना इससे पहले कि उनसे कोई पूछताछ की जाती, उनके जवाब की उम्मीद होती, बताया गया कि वो जर्मनी निकल गए हैं और इतने दिनों से वो वापस नहीं आ रहे थे और उनके खिलाफ जांच की बात कर्नाटक सरकार ने की थी और वो जांच शुरू भी है। लेकिन अब उस एसआईटी के सामने प्रज्वल रेवन्ना ने 31 मई को पेश होने की बात कह दी है। सेक्स स्कैंडल में से जुड़ी बड़ी खबर कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल, जहां पर 31 मई को प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त 31 मई को एसआईटी के सामने आने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि वो 31 मई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पहुंचेंगे, पेश होंगे। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से सांसद, हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब इस मामले में पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने जाने की तैयारी में। सेक्स स्कैंडल में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, जो कि जेडीएस के सांसद हैं, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल से जुड़ी बड़ी खबर। तस्वीरों में आप प्रज्वल रेवन्ना को इस वक्त देख रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर भी कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के वीडियो सामने आए थे और उसके बाद इस मामले में पुलिस की जांच शुरू हुई। प्रज्वल रेवन्ना इससे पहले कि जांच टीम उन तक पहुंचती, उनका जवाब लेती, प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी चले गए। इस पूरी घटना को लेकर चुनाव के दौरान जमकर एक दूसरे पर वार किए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला, जेडीएस पर भी हमला बोला है और अब प्रज्वल रेवन्ना ने 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होने की बात कही है।